बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी इस स्क्रीन पे आपके पे एक कमेंट चल रहा है। इस कमेंट में एक भाई ने पूछा है कि यार कोई ऐसा कंट्री बताएं जहाँ पे जिसका वीज़ा मिलना इतना आसान हो, ना कोई इनविटेशन लेटर चाहिए हो, ना एम्बेसी जाना पड़े, ना कोई अपॉइंटमेंट का चक्कर हो, घर बैठे हम अप्लाई कर लें और उसके लिए किसी किस्म का कोई इन्विटेशन लेटर भी ना चाहिए हो। प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस कंट्री का मैं आपको बताने वाला हूँ उस कंट्री का वीज़ा आप बगैर इन्विटेशन के घर बैठे ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब फीस भी नहीं वीजा की लगेगी एडवांस में। और दूसरे नंबर पे कहीं किसी तरह आप अपनी सेटलमेंट वहां पे कर लेते हैं, जॉब मिल जाती है, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं वहां पे। कौन सा कंट्री है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में डीपली जानते हैं। जिस कंट्री की मैं बात करूं इसका नाम है हांगकांग। हांगकांग को लेके ना एक बहुत ही अच्छी अपडेट्स आई है 2023 में। हांगकांग इमिग्रेशन के मुताबिक अब इनविटेशन लेटर की जो शर्त थी वो खत्म कर दी गई है। बाज़ औक़ात लोगों को बिजनेस वीजा के लिए इनविटेशन वो लेटर वो मांग लेते थे। कुछ लोगों की जो स्टेटमेंट है वो वेल मेंटेन नहीं होती थी, अकाउंट में बैलेंस कम होता था, इमिग्रेशन आपको ईमेल कर देती थी कि भाई इन्विटेशन लेटर अरेंज करो। उनका फ्रेश पासपोर्ट होता था, मतलब कोई भी वीजा ऑलरेडी उनके पासपोर्ट पे नहीं होता था, वो फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते थे। इमिग्रेशन कहती थी नहीं भाई आप इन्विटेशन लेटर लेके आए। इनविटेशन लेटर का मकसद क्या होता है कि आपकी कोई गारंटी ले रहा है उधर से बैठ के कि हाँ ये बंदा विजिट पे आ रहा है, विजिट करके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी 2023 की अपडेट्स ये हैं कि किसी किस्म का आपको कोई भी इनविटेशन लेटर किसी भी वीजा की कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हांगकांग की इमिग्रेशन कह रही है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, हांगकांग की इमिग्रेशन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ पर यह अनाउंसमेंट हुई है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये है कि आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी बैंक बैलेंस कम है, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तब भी आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ ताकि आपको फायदा तो हो ना, पता तो चले ना इसका फायदा क्या है वीडियो बनाने का, ठीक है। हांगकांग का वीजा अप्लाई करते हैं, इनविटेशन लेटर मैंने आपको बताया कि वो निकाल दिया गया। दूसरे नंबर पे किसी किस्म की अपॉइंटमेंट या एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करते हैं, मतलब एक कॉपी सेट बनाते हैं और वो आप उनको कॉरियर कर देते हैं बाय DHL या फिर TCS, जिस भी सर्विस के जरिए आप करना चाहें, जिसकी जो भी आपको ईजी मतलब होती है, जिसकी भी एक्सेस मिलती है, आप उसके जरिए TCS या बाय कोरियर DHL के थ्रू कर सकते हैं। आप हांगकांग के इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, उनकी कॉपी, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, ठीक है। अपनी एक ईमेल भी आप देते हैं, ठीक है, एक A4 साइज पे आप अपनी बड़ी सी ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड नहीं लिखना, सिर्फ ईमेल लिखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देनी है। हांगकांग की इमिग्रेशन फिर उस ईमेल पे आपको बताती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, अब आप इतनी फीस पे करते हैं, ठीक है। मतलब एडवांस किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती। इन केस हांगकांग की इमिग्रेशन आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है, आपको वो ईमेल जो आपने दी है उस पर आपको बता देते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, किसी किस्म की कोई भी फीस ज़ाया नहीं होती क्योंकि आपने दी नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपका वीज़ा अप्रूव होता है फिर हांगकांग की इमिग्रेशन जो है आपको एक अकाउंट डिटेल देती है, एक पेमेंट मेथड बताती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, आपको ये पेमेंट मेथड है, इतनी पेमेंट आपने, इतनी फ़ीस देनी है, 15,000 20,000 जितनी भी वीज़ा की फ़ीस है आपने वो पे करनी है, स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है, इस ईमेल पे। आपने ऐसे ही करना है जैसे जैसे वो आपको मेथड बताएंगे, इस तरह पेमेंट करें, इस ईमेल पे स्क्रीनशॉट भेजें, सारा मेथड आपको बता देती है हांगकांग की इमिग्रेशन वाया ईमेल। आप वो पेमेंट करके उनको भेजते हैं, वो आपको एक पेपर की सूरत में ई वीज़ा जिसे कहते हैं वो आपको ईमेल पे भेज देते हैं, जिसका आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाते हैं और आप इजीली हांगकांग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। DHL के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजने की दर है, डिस्क्रिप्शन में सारा हांगकांग की इमिग्रेशन का जो एड्रेस है वो मौजूद है, आप उसको कॉपी कर लें या फिर उसको सेव कर लें, वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं कॉपीज करके, कोई पैसा साथ नहीं भेजना, ठीक। हांगकांग को ट्रैवल हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मतलब के समझ ले कि एक बूस्टर समझा जाता है, बूस्टर डोज समझा जाता है इसको। क्यों? हांगकांग की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इसकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, इसके दूसरे कंट्रीज़ के साथ टाइज बड़ी स्ट्रांग है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिका वगैरह के साथ, तो इनकी इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है, ठीक है। और बेनिफिट क्या है कि वहाँ पर अगर आपको जॉब मिल जाती है सैलरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, मतलब 2-3 लाख रुपया तो आम सैलरी है ना वहाँ पर। यार ये पता क्या है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे प्रोफेशनल्स के आर्टिकल्स रीड किए होते हैं, हांगकांग में मेरे अपने जानने वाले बैठे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली होती है, ये मल्टीपल वेज के थ्रू कलेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन, फिर मुझे लगता है कि यार हाँ ये इन्फॉर्मेशन सभी मतलब मुझे दे रहे हैं, इट्स करेक्ट, फिर मुझे लगता है ना कि हाँ यार ये 4-5 रिसोर्सेज ने यही इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ये ठीक है, 4-5 बंदे अगर एक ही बात कर रहे हैं इसका मतलब वो ठीक है, तो इसलिए मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको जॉब मिल जाती है आप अपनी सेटलमेंट वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है।
है। अच्छा, इसका ये सीन नहीं होता कि विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपको हांगकॉन्ग में जाकर जॉब मिल जाती है आपको वापस आना पड़ता है, आपका एम्प्लॉयर दोबारा आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे बुलाता है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर आपका प्रोसेस होता है, ये दुबई वगैरह की तरह नहीं है या कनाडा वगैरह की तरह कि आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इमिग्रेशन कहती है भाई हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। मतलब आप, क्योंकि आपका पासपोर्ट ओरिजिनल गया ही नहीं है इमिग्रेशन के पास, तो आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगती। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आप दो दफ़ा अप्लाई करें, तीन दफ़ा अप्लाई करें, जितनी मर्जी दफ़ा हांगकॉन्ग का जो वीज़ा है अप्लाई करें विजिट, तो आपको या टूरिस्ट वीज़ा जो है आपको इसमें इमिग्रेशन की जो रिजेक्टेड स्टैंप होती है ना पासपोर्ट रिजेक्टर की, का आप अप्लाई करें आपके पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगाते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। हांगकांग इमिग्रेशन ऐसा नहीं करती, वो आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगाती। बाकी यार हांगकांग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपको मैं बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आप वहाँ पे इन केस इनलीगल काम करते पकड़े जाते हैं तो उसकी आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पेनल्टी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप जाके किसी कंट्री में इलीगल हो जाएं, वहां पे रहना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है वैसे मेरे कहने से, ना तो आपने रुकना है ना मेरे कहने से आपने वहां पे चले जाना है, ठीक है। आप खुद एनालाइज करें, अपनी प्रोफाइल को खुद देखें कि इस वीडियो को सुनते हुए मेरी प्रोफाइल इस वीडियो के साथ मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच कर रही है तो जरूर अप्लाई करें, मैच नहीं कर रही तो ना अप्लाई करें। मैच की बात हुई है तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, हांगकांग के विजिट वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको रिक्वायर्ड है। इसमें आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए, वाइट बैकग्राउंड फोटोज चाहिए, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC आपको चाहिए, शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हैं लोग। यार देखो, FRC जो है ना, अगर आप मैरिड हैं आप अपनी बीवी बच्चों के साथ बनाएं, अगर आप अनमैरिड हैं आप अपनी बहन भाइयों माँ बाप के साथ बनाएं, ठीक है। जो मैरिज सर्टिफिकेट MRC जिसे कहते हैं वो होता है आपका निकाहनामा जो है उसे आप यूनियन काउंसिल में जाके इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लें, दैट्स इट। 200-300 रुपया फीस होती है, वो आपका MRC है। MRC कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। अलावा अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसको बोलें कि यार मुझे लीव लेटर दे दे, उस पर लिख दे, मतलब जो लेटर हेड है कंपनी का उसके ऊपर लिख दे मेरी क्या जॉब है, कितनी सैलरी है, इतनी तारीख तक मैं विजिट करूंगा, फिर मैं वापस आके आपको ज्वाइन भी करूंगा, ठीक है। ये सारी डिटेल वहां पे लिख दें, उसके साथ आपको 6 महीने की तकरीबन वो सैलरी स्लिप्स जो हैं वो साथ दे दें, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स जो लोग बिजनेस करते हैं उनको क्या करना है, उनको अपना बिजनेस लेटर हेड है, विजिटिंग कार्ड है, ये आपको अटैच करने हैं, साथ में अपना NTN और टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी ऐड करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो अपना इंडिविजुअल NTN भी अटैच कर सकते हैं लाजमी, ठीक है। मतलब अटैच कर दें, एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा मिनिमम आपकी 3 महीने की और मैक्सिमम आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है, या मतलब 5 से 10 लाख रुपये के दरमियान अगर आपका बैलेंस है तो ये इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जिस बैंक से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं उन्हीं को बोले मुझे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी दे दें। इसके अलावा आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लाइक कवर लेटर, आपकी टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, आपका ट्रैवल प्लान और आपकी इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाय द वे, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपने यहाँ पे सिर्फ अपना मैसेज करना है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स, आपको हम माइनर से हमारे चार्जेस हैं वो लेके आपको ये डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको एक प्रॉपर आपकी फाइल मेंटेन करके दे सकते हैं, उस फाइल को आपने खुद हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में DHL के ऑफिस जाके कोरियर करवाना होता है, ठीक है। जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, आपकी एक फाइल आपके हाथ में आ गई, उसकी कॉपीज, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, सबकी कॉपीज आपने रख ली, इन कॉपीज को आपने क्या करना है, इन कॉपीज को आपने DHL के थ्रू जो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है वहां पे जाके आपने कोरियर कर देना है, ठीक है। जब कोरियर कर देंगे आपको, फिर मैंने आगे प्रोसेस सारा बता दिया कि आपको इमिग्रेशन ईमेल के जरिए बता देगी कि भाई साहब आपका वीजा अप्रूव हो गया, फीस दे दो। अगर नहीं अप्रूव हुआ होगा वो आपको बता देंगे आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, फिर किसी किस्म की कोई फीस आपने नहीं देनी होती। सारी डिटेल्स थी हांगकांग की इमिग्रेशन को लेके। एक अच्छी अपडेट ये आई है कि किसी किस्म का कोई इन्विटेशन लेटर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी वीजा आप अप्लाई करें, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट है, स्टेटमेंट नहीं इतनी अच्छी नहीं है, बैलेंस कम है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इन्विटेशन लेटर आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफा है एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।